हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सब लोग। फिर से स्वागत है हमारे एक छोटी सी न्यू वीडियो पे। तो गाइज, आज हम इस वीडियो पे आपको दिखाने वाले हैं कि खुद के जैसा दिखने वाला 3D कार्टून वीडियो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे बनाएंगे। तो गाइज, कुछ इस तरह का जो है आप वीडियो बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। आप देख सकते हैं आपके जैसा मिलता जुलता कुछ दिखने वाला कार्टून करेक्टर जो है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बना सकते हैं, और बनाकर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ फन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उसके साथ वीडियो बना सकते हैं और खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे मैं आज की इस वीडियो पर आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो ओके गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो प्ले स्टोर आप ओपन कर लीजिए, एंड ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है टेडा टाइम। ठीक है, तो ये लिखकर आपको सर्च करना है। ठीक है, टेडा टाइम, TADATIME। ठीक है, तो ये लिखकर आपको सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद गाइस ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा। और गाइस, एक बात मैं बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन चलाने के लिए आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, डाटा कनेक्शन ऑन करके ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले गाइस, इस एप्लीकेशन पर एक अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, अकाउंट आप फेसबुक से बना सकते हैं, गूगल जीमेल से बना सकते हैं, और मोबाइल नंबर से बना सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अकाउंट इस एप्लीकेशन पर बना लीजिए। एंड अकाउंट बनाने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पर अकाउंट बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, और ये आपका प्रोफाइल है, और ये मैसेज है। यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं डेटा टाइम टीम को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए एक इंसान की तरह ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मिडिल में एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी एक जो है करेक्टर मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं। तो फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फेस है, वो फेस को यहाँ पर आपको डिटेक्ट करना होगा। ठीक है, और अगर आपके पहले से ही अगर आपका कोई फ़ोटो है, तो यहाँ पर गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फ़ोटो, आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके भी यहाँ पर कार्टून क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा कोई फ़ोटो नहीं है, मैं यहाँ पर अपना फेस को डिटेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको मेल और फीमेल सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मेल है तो मेल आप सिलेक्ट कर दीजिए, और अगर फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस, आपके जैसा मिलता जुलता एक कार्टून करेक्टर बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर एक देखिए एक शार्ट की तरफ ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर स्किन कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टर का जो स्किन कलर है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड नीचे आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है एसेसरीज मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसेस मिल जाएंगे, आप यहाँ पर ड्रेस जो है पहना सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेस भी मिल जाएंगे, और अगर आप पेंट चेंज करना चाहते हैं तो इस पेंट भी चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर शूज़ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो गॉगल्स है वो आप पहना सकते हैं करेक्टर में। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मुझे डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर जो राइट टिक ऑप्शन दिख रहा है, इस राइट टिक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे पोज मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का पोज आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का पोज मिल जाएंगे, तो आप इस तरह का अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर वैलेंटाइन है। ठीक है,
यहाँ पर प्रपोज वोज आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह का। नीचे आपको बहुत सारे पोज मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट है, लेटेस्ट में आपको ये सारे जो है पोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डांस वाला आपको पोज मिल जाएंगे, कुछ इस तरह का डांस वाला पोज मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको बहुत सारे पोज मिल जाएंगे। तो इसके साथ अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए पोज को यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप जिस भी पोज से वीडियो बनाना चाहते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए एरो का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर। और एक बात गाइस, यहाँ पर आप देखिए अगर आप खुद का वॉयस ऐड करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो माइक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके आप खुद का वॉयस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसके साथ वीडियो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, बैक कैमरा। और बैक कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्कैनिंग होगा, एंड स्कैनिंग होने के बाद आपको यहाँ पर टैप कर देना है टैप टू प्लेस पर। तो गाइस टैप करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो कार्टून जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके साथ अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर एक टाइमर का और एक रिकॉर्ड का, यहाँ पर एक फिल्टर का। तो यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, आप 15 सेकंड या 60 सेकंड वीडियो बनाना चाहते हैं या 30 सेकंड वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करके फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर डांस कर रहा है, अगर आप डांस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो है बारिश हुई है, इसलिए चारों तरफ भीगा भीगा लग रहा है दिखने में। तो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद गाइस कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर आप पोस्ट का टाइटल आप दे सकते हैं, ठीक है, वीडियो का टाइटल आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो एरो दिख रहे इस पर क्लिक करके आप वीडियो को इसी एप्लीकेशन पर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहीं था आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।